दोस्तों हर देश के पास अपनी मिलिट्री यूनिट्स होती है जिसकी ट्रेनिंग किसी भी दूसरी फोर्स से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है और ये ट्रेनिंग अच्छे अच्छे लोगों को हार मानने पर मजबूर भी कर देती है। दोस्तों मिलिट्री यूनिट में कई स्पेशल कैटेगरीज की पोस्ट भी होती है जिन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने सामने आने वाली किसी भी कठिनाई का बिना डरे और बिना पीछे हटे सामना कर सकें और उस पे अपनी विजय हासिल कर सकें। और दोस्तों इनके ऑपरेशंस बेहद ही सीक्रेट और कभी कभी तो हद से ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, पर दोस्तों ये स्पेशल फोर्सेस बिना एक बार भी सोचे अपने देश की आन बान शान के लिए कितने ही खतरनाक प्रॉब्लम से निपटने के लिए खुद को हर समय तैयार रखती है। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की 5 मोस्ट एलिट फोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें हमारे देश भारत की फोर्स भी शामिल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। हंट्समैन कॉर्प। दोस्तों अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हंट्समैन कॉर्प उन स्पेशल फोर्सेस में से एक है जिसे 1785 में पहली बार हंटर कॉर्प्स ऑफ जीलैंड के तौर पे तैयार किया गया था और समय के साथ साथ इसे अलग अलग नाम दिए गए जिसे आखिरी में 1961 में हंट्समैन कॉर्प नाम दिया गया। और इस स्पेशल यूनिट में सन 1961 से 2009 के बीच 350 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेंड किया गया था। हालांकि इस फोर्स को बने कई साल हो गए थे पर इन लोगों ने किसी भी बड़े मिशन को अंजाम नहीं दिया था। 1995 के बाद इन्हें पहली बार कोई ऐसा मिशन मिला था जिसमें ये अपनी ट्रेनिंग और हार्डवर्क को टेस्ट कर सकते थे और फिर इनकी 6 लोगों की एक टीम बनाई गई जिसे टास्क फोर्स के बार का नाम दिया गया। ये लोग एक सैनिक परीक्षण के लिए अफगानिस्तान गए थे जहां इन्होंने स्पेशल फोर्स ग्रुप के तौर पे अपना काम किया था। दोस्तों हंट्समैन कॉर्प्स को 2004 से प्रेसिडेंटल यूनिट सिटेशन के तौर पे जाना जाने लगा और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोई भी इंसान इतने सारे कामों में कैसे माहिर हो सकता है और इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद इसे कैसे कंप्लीट करता होगा। लेकिन दोस्तों स्पेशल एलिट फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले लोग कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं क्योंकि इन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहने की जरूरत होती है। और इस ट्रेनिंग की पहली स्टेज 5 दिन की होती है जिसमें आपके अंदर के टैलेंट को ढूंढा जाता है कि आप किस चीज में बेस्ट हैं, जैसे स्विमिंग, रनिंग या और कुछ। इसके बाद आपकी उसी के हिसाब से ट्रेनिंग होती है और आप उस कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार होने लगते हैं जिसमें आगे चलकर आपको 8 हफ्तों की पेट्रोलिंग में जाना होता है और इसमें पास होने के बाद एस्पिरेंट कोर्स, उसके बाद 2 हफ्तों की पैराशूट ट्रेनिंग और फिर 2 हफ्तों तक कॉम्बैट स्विमिंग करनी होती है। और दोस्तों इन टास्क को पूरा करने के बाद आप एक हंट्समैन कॉर्प बनने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। दोस्तों इस वक्त इस फोर्स के पास 150 ऐसे सैनिक मौजूद हैं जो पैराशूटिंग, कॉम्बैट स्विमिंग, काउंटर टेररिज्म और भी बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। इंडियन मार्कोस। दोस्तों इंडियन मार्कोस को हम मरीन कमांडर्स के नाम से भी जानते हैं। मार्कोस एक तरह की स्पेशल फोर्स है जो कि इंडिया की एक ट्राइसरीज आर्म्ड फोर्स है जिसे 1980 के दौरान बनाया गया था। और दोस्तों ये फोर्स हर तरह के मिशन को करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, फिर चाहे वो जमीन पर हो, पानी में या फिर आसमान में ही क्यों ना हो, क्योंकि लड़ाई कहां पे होगी इससे सैनिकों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए इन्हें ट्राइसरीज फोर्स कहते हैं। और इंडियन मार्कोस में लगभग 2000 सैनिक मौजूद हैं, लेकिन इनकी असल संख्या को सीक्रेट रखा जाता है जिसे पब्लिकली कभी अनाउंस नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसकी भी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। इस फोर्स को ज्वाइन करने का सपना देखने वालों में से 80% एप्लीकेशन तो प्री ट्रेनिंग में ही फेल हो जाते हैं और इसमें सिलेक्ट होने वाले लोग ही आगे की ट्रेनिंग में जा पाते हैं जिनमें से काफी तो इंडियन नेवी से आए हुए होते हैं। और इस ट्रेनिंग में 2 साल का समय लग जाता है जिसमें काउंटर टेररिज्म, एंटी पायरेसी, एंटी हाईजैकिंग, कॉम्बैट डाइविंग और भी कई इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाई जाती है। दोस्तों इंडियन मार्कोस को ज्वाइन करने का पहला स्टेप 3 दिन तक चलता है जिसमें फिटनेस टेस्टिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट करके मार्कोस इस बात की पुष्टि कर लेना चाहते हैं कि उनके ग्रुप में होनहार सोल्जर्स ही आएं। और इन सब टेस्ट और ट्रेनिंग के बाद अराउंड 2% लोग ही बचते हैं। इस ट्रेनिंग के प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल का वक्त लग जाता है जिसके दौरान इन्हें सभी तरह के हथियार चलाना, जंग में काम आने वाली टेक्निक्स, एंटी टेररिज्म, कमांडो स्किल्स, स्काई डाइविंग और इसके अलावा भी कई स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसके बाद ये लोग खुद को एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा मानने लगते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्कोस ने एक इंडियन बल्क कैरियर शिप को समुद्री लुटेरों से बचाकर वापस लाए थे और मार्कोस फोर्स को इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे 1999 के कारगिल वॉर में आर्मी का साथ देने के लिए इन्हें बुलाया गया था। दोस्तों हमारे इंडियन मार्कोस के जवानों के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। JW ग्रोम। दोस्तों JW ग्रोम पोलैंड की होम आर्मी का नाम है जो वहाँ की एक प्रीमियम स्पेशल फोर्स यूनिट है। इस फोर्स में शामिल सोल्जर्स हथियारों को बहुत ही अच्छे से चलाना जानते हैं जिनके पास सर्जिकल एबिलिटी के साथ साथ मेडिकल ट्रेनिंग भी होती है। इस फोर्स के बारे में जानकर आपको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि इसे मोस्ट एलिट फोर्स की लिस्ट में क्यों जगह दी गई है। इन लोगों का ग्रुप एक स्पेशल सोल्जर्स का ग्रुप होता है जो लगभग हर तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इस फोर्स को 1999 में पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था जिनका इस्तेमाल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अनकन्वेंशनल
कन्वेंशनल वॉरफेयर, स्पेशल सर्विसेज और एनिमी लाइन कंट्रोल में किया जाता है। और दोस्तों 2002 में जेडब्ल्यू ग्रोम के 40 सिपाहियों को अफगानिस्तान में डिप्लॉयड किया गया था और 2003 में इराक युद्ध में भी इन्हें भेजा गया था। और ये ऑपरेशन इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि यूएस नेवी सील फोर्स को सपोर्ट करने के लिए किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान ये लोग एक ऑयल टर्मिनल में घुस गए थे जो कि अचानक से ब्लास्ट हो गई थी, पर दोस्तों इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई थी। इस एलिट स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले सोल्जर्स बेस्ट सोल्जर्स में से एक होते हैं जो इस यूनिट को वन ऑफ द बेस्ट एलिट फोर्स बनाते हैं। और इस फोर्स को ज्वाइन करने से पहले साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सैनिक की सहनशीलता को भी जांचा जाता है और टेस्ट में पास होने के बाद ही आगे की ट्रेनिंग का मौका मिलता है, जिसके बाद सिलेक्ट हुए सैनिकों को डिसिप्लिन, स्नाइपिंग, पैराशूटिंग, एंटी टेररिस्ट और दूसरी तरह की कई स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आखिरी तक टिके रहना और इस टीम का हिस्सा बन पाना एक प्राउड फीलिंग होती है। ब्रिटिश SAS। दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी लिस्ट में ब्रिटिश SAS यानी ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस का जिक्र किया गया है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सी मिलिट्री फोर्सेस का मॉडल SAS से ही इंस्पायर्ड है। और ब्रिटिश SAS का गठन 1941 में किया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, और इनका मेन काम जंग को खत्म करना और हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करना, बंदी बनाए गए लोगों को रेस्क्यू करना और इन सब काम को अंजाम देने के लिए इन्हें डायरेक्ट एक्शन लेने की भी परमिशन दी गई थी, जिसके तहत ही अपने मिशन के वक्त हर वो काम कर सकते हैं जो इन्हें सही लगता हो, फिर चाहे इन्हें किसी की जान ही लेनी क्यों ना हो। और दोस्तों ये ब्रिटिश की एक स्पेशल फोर्स है जिसके बारे में बहुत ही लिमिटेड जानकारी मौजूद है। इसके ज्यादातर एक्शंस के बारे में किसी को भी नहीं पता होता और SAS की एक यूनिट रेगुलर एक्टिव रहती है, जबकि दो और यूनिट्स हमेशा रिजर्व में रहती हैं, जिसमें 500 से ज्यादा सैनिक मौजूद रहते हैं। पर इंडियन मार्कोस की तरह ही इनकी भी असल संख्या को गुप्त रखा जाता है। इस यूनिट के सभी सोल्जर्स को स्पेशल स्किल्स की ट्रेनिंग मिली होती है, जिससे किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी या और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी से निपट सकते हैं। और दोस्तों इस फोर्स की रेपुटेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे कभी भी आम जनता के लिए नहीं किया जाता। और तो और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी काफी सीक्रेट तरीके से चलते हैं। इस फोर्स में जाने के लिए आपको UK आर्म्ड फोर्स में अप्लाई करना होगा, जिसके बाद हर दो साल में 200 वॉलंटियर्स का फिटनेस टेस्ट करके उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, जिन्हें 60 किलोमीटर तक पैदल मार्च करना होता है। इसके अलावा कैंडिडेट को विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइवल एक्सरसाइज, बैटल प्लान्स, विदेशी हथियारों को यूज करना, 30 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ना और 90 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है। इसके अलावा और भी कई दिमाग को घुमा देने वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके बाद इसमें पास हुए सोल्जर्स को किसी भी परिस्थिति से डर लगना खत्म हो जाता है। शुरुआत में सिलेक्ट हुए 200 कैंडिडेट्स में आखिरी तक ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सैनिक बच पाते हैं, बाकी सारे तो बीच में ही छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों ब्रिटिश SAS एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसकी रिस्पेक्ट दुनिया भर की फोर्सेस करती हैं, क्योंकि इसने 1944 से अब तक काफी पुरस्कार जीते हैं। अमेरिकन नेवी सील। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 है अमेरिकन नेवी सील, जो कि अमेरिका की नेवी स्पेशल फोर्स है और इसे जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में बनाया था। अमेरिकन नेवी सील हर तरह के स्पेशल ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, फिर चाहे वो कोई भी जगह हो और वहाँ कितना ही खतरा क्यों ना हो। इनके पास पानी के अलावा जंगल, पहाड़, बर्फ, रेगिस्तान जैसी कई खतरनाक जगहों और हर हालात में जंग करने की काबिलियत होती है। ये एक ऐसी स्पेशल एलिट फोर्स है जिसके लिए दुनिया में कोई भी टास्क कंप्लीट करना नामुमकिन नहीं है। इनके ट्रेनिंग का लेवल इतना हाई होता है कि CIA अपने एजेंट्स में से ज्यादातर तो अमेरिकन नेवी सील फोर्स से ही भर्ती करती है। और दोस्तों इन लोगों को अकेले की बजाय ग्रुप स्किल ज्यादा सिखाई जाती है, जिससे इनमें गैदरिंग इंटेलिजेंस बढ़ जाती है और ये लोग ज्यादातर ज्वाइंट ऑपरेशंस को विदाउट कैजुअल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। और 1962 से अब तक इन लोगों ने दर्जनों युद्ध में हिस्सा लिया है, जैसे कोरियन वॉर, ईरान इराक वॉर, पनामा वॉर या फिर अफगानिस्तान वॉर। हर जगह इन लोगों ने अपनी स्किल और इंटेलिजेंस के दम पर अपनी जीत दर्ज की है और इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले हर एक की मेडिकल और फिजिकल स्कैनिंग होती है, जो अपने आप में ही बहुत ही चैलेंजिंग होती है। इसकी ट्रेनिंग में 500 यार्ड स्विमिंग सिर्फ 12 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। इसके अलावा 50 सेटअप 2 मिनट में और 2.5 किलोमीटर की रेस सिर्फ 10 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और जो लोग इस टेस्ट को पास कर पाते हैं सिर्फ उनको ही रेगुलर नेवी सील में ट्रेनिंग का मौका मिलता है, जिसके बाद 12 महीने की ट्रेनिंग में लड़ाई के तरीके और दूसरी जरूरी स्किल्स सिखाई जाती है। और दोस्तों पहले इस स्पेशल फोर्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट हिस्सा ले सकते थे, पर 2015 के बाद इसके रूल में चेंज लाया गया और अब इसमें महिलाएं भी हिस्सा ले सकती हैं। और 2017 में एक महिला फर्स्ट फीमेल नेवी सील बनने वाली थी, जिसने ट्रेनिंग शुरू होने के महज एक हफ्ते के अंदर ही इसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से इस जॉब को करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों बस इस बात से ही आप इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इंडियन मार्कोस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।